स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे मीन डेविएशन, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन क्या होता है? कल भी हमने देखा था कि जो समांतर माध्य है, मध्य का है या बहुलक है, उनके आधार पर अगर आप विचलन ज्ञात करते हो, डेविएशन ज्ञात करते हो, तो क्या है? माध्य विचलन है। तो आज हम देखते हैं, कल हमने इसके फार्मूलाज भी देखे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी जो है, इंडिविजुअल सीरीज जो है, उसमें हम माध्य जो उसकी माध्य विचलन जो है, मीन डेविएशन जो है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो कल आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक प्रश्न में आपको नहीं कहा जाए कि मीन डेविएशन की गणना जो है वो मीन से करनी है या मोड से करनी है या मीडियन से करनी है, तब तक आपको गणना किससे करनी है? हमेशा माध्यिका से गणना करनी है। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, कि सीरियल नंबर आपको दे रखा है कि मतलब स्टेप आप कौन से फॉलो करेंगे। तो स्टेप के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज द सीरीज। ठीक है, तो जो भी सीरीज आपको दे रखी है, उस सीरीज में आपको क्या करने हैं, जो पदमूल्य दे रखे हैं, जो आपको आइटम्स दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर सीरीज जो है वो पहले से ही अरेंज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज को सबसे पहले आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको डेविएशन निकालना है। किससे? अगर आप मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीडियन से डेविएशन निकाल लेंगे। मतलब या तो x माइनस एक्स बार हो जाएगा, या फिर x माइनस एम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, x माइनस जेड। तो जेड ही तो आपको जब भी प्रश्न में कहा जाए, जब आपको करना है, अदरवाइज जो है सब अगर नहीं कहा जाए तो किससे करना है, इससे। फिर डेविएशन निकाल के जो है आप फार्मूला पुट करेंगे, स्मॉल डेल्टा, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा डी और मॉडुलस एक्स एक्स बार अपॉन एन। इससे आप जो है इंडिविजुअल सीरीज में देख रहे हैं, इससे निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मीडियन से निकालना है आपको, तो सिग्मा डी मॉडुलस एम अपॉन एन, और अगर आपको बहुलक से निकालना है तो सिग्मा डी मॉडुलस जेड अपॉन एन। इससे जो है आप क्या निकाल लेंगे, माध्य विचलन। और अगर माध्य विचलन गुणांक आपको निकालना है, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर माध्य विचलन गुणांक आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखिए इसपे तुलनात्मक जो है अध्ययन नहीं कर सकते आप, कंपैरेटिव स्टडी जो है वो माध्य विचलन से नहीं कर सकते। अगर माध्य विचलन के आधार पर आपको तुलना करनी है दो संस्था में या दो किसी भी दो चीज़ों की तुलना करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माध्य विचलन गुणांक जो है वो निकालना पड़ेगा। तो वो गुणांक निकालने के लिए अगर मान लीजिए आपने मीन डेविएशन एक्स बार से निकाला है, तो गुणांक कैसे निकल जाएगा, सिग्मा, मतलब जो गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा, इसे डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने जो मीन डेविएशन है मध्यिका से निकाला है, तो डेल्टा एम अपॉन एम, और अगर मीन डेविएशन जो है वो आपने बहुलक से निकाला है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो इससे आपकी माध्य विचलन गुणांक जो है उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो क्या करना, आपको अरेंज करना होगा जो सीरीज है। अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न इस तरीके से दिया है, व्यक्तिगत श्रेणी पर प्रश्न देखते हैं कि ये सीरियल नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और आपको इसमें दिया हुआ है मार्क्स, मान लीजिए दे रखे हैं, आपको मार्क्स इस तरीके से दिए, मान लीजिए 5, 9, 12, 16, 31, 20, 25 and 34, इस तरीके से जो है वो एक प्रश्न दिया हुआ है आपको। अब देखिए ये जो सीरीज है क्या वो अरेंज है, नहीं। यहाँ तक तो ये असेंडिंग में चल रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर वैल्यूज जो है वो
जो है ऊपर नीचे हो रही, अप डाउन हो रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम अरेंज लेते हैं तो सीरियल नंबर 8 तक है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप अरेंज करेंगे, ठीक है ना, अरेंज, दिमाग से क्या हो जाएंगे आपके एक्स, ठीक है। तो इनकी अगर हम कैलकुलेशन करनी, तो अरेंज करने के बाद क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू 5, फिर 9, 12, 16, 16 के बाद में फिर क्या आ जाएगा 20, फिर 25, फिर 31 और फिर 34, ठीक है। अब देखिए, हमें प्रश्न में कुछ नहीं कहा, हमें केवल ये कहा है कि माध्य विचलन जो है गुणांक निकालिए, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना। तो सबसे पहले हमें मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो आप जो है मीडियन से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है समांतर माध्य से भी देख लेते हैं और मीडियन से भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार के लिए फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स। डायरेक्ट मेथड से अगर हम करते हैं तो x बार का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो सिग्मा x कितना आएगा हमारा 152, और n कितना है हमारा 8। तो यहाँ पर जो x बार है उसकी वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, उसको आप 152 को जो है वो 8 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो x बार कितना आ जाएगा यहाँ पर, वन फिफ्टी टू, और उसको 8 से डिवाइड किया आपने 7, तो 19 मार्क्स जो है वो आपका क्या आ गया, x बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे मॉड्यूलस x बार, तो मॉड्यूलस जो मतलब डी एक्स बार आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस x बार, और मॉड्यूलस का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या होगा, कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपके प्लस माइनस की जो साइन है वो यहाँ पर ध्यान में नहीं रखे जाएंगे। तो x बार हमारा इस सीरीज में कितना आ गया, 19। फॉर्मूला से निकाल देते हैं अपन अभी, तो एक्स बार जो है वो कितना आ गया 19, और एक्स की वैल्यू आपके पास है, अब इनको घटाते जाएंगे और मॉडुलस लगाया हुआ, तो साइन जो है उनको आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो 5 में से 19 गए तो कितने बचे, 14, 10, 7, 3, 1, 6, 12, और इसमें कितने बच गए आपके 13, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। तो और इसमें आपके 13 की जगह कितने बचे 15, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मीडियन से निकालना, तो मीडियन में हमें क्या चाहिएगा, सिग्मा बी मॉडुलस एम। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स 152 आया था, और सिग्मा डी मॉडुलस एम, सॉरी मॉडुलस एक्स बार है, इसका टोटल कितना आएगा, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल जो है वो आपके सामने आएगा 68, ठीक है। फिर हम करते हैं मीडियन से भी देख लेते हैं, तो बी मॉडुलस एम, तो एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो है आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, पहले आप मीडियन आप देख चुके हैं, तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, एम इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, ठीक है। तो इसलिए सीरीज को हमें ऐसा अरेंज करना, क्योंकि एक्स बार के लिए सीरीज अरेंज होनी जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें सीरीज को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना होगा। तो n कितना है यहाँ पर 8, तो 8 प्लस 1 अपॉन 2
आइटम, तो 9/2 तो 4 पॉइंट पर आइटम। अब देख लीजिए अगर 4 आता तो 4 पे वैल्यू 16 है, लेकिन यहाँ पे 4.5 है, तो इसका मतलब इन दोनों का एवरेज लें। कभी भी इस तरीके से आता है तो 4 नंबर पे वैल्यू 16 और 5 नंबर पे वैल्यू कितनी है 20, और उनका एवरेज ले लो, तो ये 36 और अपॉन 2 तो क्या आ गया आपकी जो मीडियन है वो कितनी आ गई 8, तो यहाँ पे m कितनी हो जाएगी 18 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 18 कर लेंगे, x माइनस m करेंगे तो 18। अब 5 में से आपको क्या करना है 18 तो 13, या 9 में से 18 तो 9, 12 में से 18 तो 6, 16 में से 18 तो 2, फिर 20 में से 18 तो फिर 2, ठीक है, फिर 25 में से एक है तो 7, 31 में से 18 लेस हुए तो 12 और 13, 34 में से तो ये 16 और सिग्मा बी मॉडुलस एन। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3, 9, 9, 9, 18, 20, 26, 35, 3, 8, 1, 2, 3, 6, तो इसका टोटल भी कितना आया हमारा 68 आया। अब देखिए आपको माध्य विचलन निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, और अगर एक्स बार से निकाल रहे हैं ना अपन तो स्मॉल डेल्टा एक्स बार आप यहाँ चिन्ह लगा सकते हैं, वो कोफिशिएंट का आ जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा डी मॉड्यूलस एक्स जो है डी एक्स मॉड्यूलस डी एक्स बार अपॉन एन, तो ये कितना है हमारा 68 और एन कितना है 8, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो डेल्टा है आपका वो कितना आ जाएगा 8.5। इसी तरीके से अगर आप मीडियन से निकालते हैं तो सिग्मा मॉडुलस डी एम अपॉन एन, तो ये भी 68 है और डिवाइड किया तो 8.5। तो देखिए आंसर में कोई चेंज नहीं आया, आपने एक्स बार से भी निकाला और आपने मीडियन से भी निकाला, यहाँ हमने दोनों से कैलकुलेट किया है, प्रश्न में कुछ नहीं कहा, तो आपको दोनों से नहीं करना है, जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप क्या करेंगे हमेशा मीडियन से ही निकाल लेंगे। तो ये तो है इंडिविजुअल जो सीरीज है उसमें हमें एक्स बार जो है उसकी माध्य विचलन जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालना। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में हमें कोएफिशिएंट निकालना होता, माध्य विचलन गुणांक निकालना होता, तो आप क्या करते लिख देते आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब किसी से भी जिससे भी निकालना है, तो जैसे मान लीजिए हमें मध्यिका से निकालना है तो डेल्टा एम और डिवाइडेड बाय एम, तो डेल्टा एम हमारा कितना आया 8.5 और इसको डिवाइड कितने से कर देते हैं हम 18 से, तो ये जो वैल्यू आपकी आती वो क्या हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो जो है वो हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। ये देखिए यहाँ मॉडुलस जो है वो 7 चलेंगे हमें, आपको साइन जो है उनका ध्यान यहाँ पर नहीं रखना है, प्लस माइनस आए तो उनको प्लस में ही लिखना है। अब अगर मान लीजिए आपकी यही सीरीज जो है वो अगर डिस्क्रीट सीरीज होती या कंटिन्यूस सीरीज होती तो कैलकुलेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, तो उनका फॉर्मूला हमने कल देखा था, उनमें फॉर्मूला में कितना चेंज हो जाएगा केवल जैसे डेल्टा सिग्मा एफ और मॉड्यूलस डी एक्स, यहाँ पे सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी एन सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी जेड, ये हो जाएगा बस, इतना चेंज होगा। कोएफिशिएंट का फार्मूला जो है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, जैसे आपको तो कोई प्रश्न दिया हुआ है कि साइज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और अगर यही प्रश्न आपका कंटिन्यूस सीरीज का होता, सतत श्रेणी का होता, तो आपको क्या करना है उनकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है। मिड वैल्यू निकालने के बाद में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन वैसे ही होगी, बस मीडियन की कैलकुलेशन के लिए आप जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पीछे देख चुके हैं।
जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया कि साहिल जैसे है 2, 4, 6, 8 और 10। अब मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दी है 1, 2। इस तरीके से आपको प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी दे रखी 1, 2, 3, 5 और 2। अब देखिए सीरीज जो है वो हमारी क्या है, अरेंज है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे। तो 1 और 1 प्लस 2 कितना गया 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 11 और ये 13। ठीक है, ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, देखिए एक्स बार चाहिए हमें, या मीडियन से भी निकाल सकते हो, प्रश्न में हमें नहीं कहा गया, तो ये हमेशा ध्यान रखना। आप एक्स बार की कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप एक्स बार की कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हमें अब मीडियन से हम करें, तो मीडियन के लिए हमें केवल क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि समांतर माध्य से एक्स बार से जो है वो आप निकालिए, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक्स बार आप निकालते हो अगर डायरेक्ट मेथड से, और अगर उसमें फ्रिक्वेंसी है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इससे भी निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स अगर हम करें एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, एफ इंटू एक्स करेंगे, ये एक्स है आपका, ऐसे 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 8 इंटू 5 और 10, ये इनका टोटल करेंगे हम 88। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल जाएगा एक्स बार, तो 88 अपॉन 13 जो है उससे एक्स बार निकल जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट्स में आएगा तो यहाँ पर हमें दिक्कत आएगी, तो हम मीडियन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में हमें कहा नहीं गया है, तो हम मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन के लिए हमें सी एफ दी हुई है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियन के लिए, एन प्लस वन अपॉन टू आइटम। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पे 13 प्लस 1 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 कितना आ गया 7th आइटम। अब 7 जो है देखिए किस फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, 11 में, और 11 के सामने वैल्यू कितनी है 8, तो इसका मतलब मीडियन कितना हो गया यहाँ पे 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस डीएम निकालेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे आप एक्स माइनस एम, और एम हमने कितना लिया है 8। ठीक है, तो 2 माइनस 8 6, 4 माइनस 8 4, साइन को इग्नोर करना है, 6 माइनस 8 2 8 माइनस 8 0, और इसमें 2। ठीक है, फिर आपको अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो आपको इसको एफ से इंटू करना पड़ेगा, तो एफ मॉड्यूलस डी एम, तो एफ से इंटू करेंगे आप तो 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 0 0, और 2 इंटू, ये फिर इसका टोटल, तो सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी एम कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 8 और 6 4 6 20 और 24। ठीक है, फिर आप निकाल देंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी एम अपॉन एन, तो यहाँ पे ये 24 और एन कितना है आपका, एन का मतलब यहाँ किससे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये जो वैल्यू आएगी उसमें आप मीडियन का भाग दे देंगे तो कोएफिशिएंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर यही प्रश्न हमारे पास कंपोज में कंटिन्यूस सीरीज में होता तो आप क्या करते कि जो भी सीरीज है उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सेम प्रोसेस से होगा, बस मीडियन में क्या हो जाएगा एन प्लस वन आइटम की जगह एन अपॉन टू आइटम हो जाएगा, और फिर एल वन प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी वाला जो फॉर्मूला आप यूज़ करके जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। थैंक यू, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे।